तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदर्श वैष्णव पर। मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम WhatsApp, Telegram, YouTube और Gboard पर डार्क मोड कैसे ऑन करें। और हम सभी जानते हैं कि डार्क मोड हमारी आंखों के लिए फ़ायदेमंद होता है और बैटरी को भी बचाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं वीडियो जल्दी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में डार्क मोड ऑन करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको थ्री डॉट्स पर टिक करना है, वहाँ आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। और सेटिंग्स के ऑप्शन पर टिक करने के बाद आपको चैट्स का ऑप्शन मिलेगा। चैट्स के ऑप्शन को टिक करने के बाद आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा। थीम के ऑप्शन के अंदर आपको लाइट और डार्क दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप जैसे लाइट पर टिक करके ओके टिक करोगे तो सब कुछ डार्क मोड हट जाएगा, और जैसे ही आप डार्क पर टिक करके ओके पर टिक करोगे तो डार्क मोड लग जाएगा। सबसे पहले अब मैंने आपको सिखाया कि WhatsApp में डार्क मोड कैसे ऑन करना है, अब मैं आपको सिखाऊंगा Telegram में डार्क मोड कैसे ऑन करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारा Telegram ऑन कर लेना है। Telegram को ऑन करने के बाद हमें हमारे थ्री डॉट्स पर टिक करना है। जैसे हम मून पर टिक करेंगे डार्क मोड ऑन हो जाएगा, और जैसे हम सन पर टिक करेंगे डार्क मोड हट जाएगा। तो दोस्तों, Telegram पर डार्क मोड ऑन और ऑफ़ करना बहुत आसान था। आप में से कई लोगों को तो आता भी होगा, लेकिन मैं फिर भी सिखा रहा हूँ कि किसी को नहीं आता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ YouTube पर डार्क मोड कैसे इनेबल करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना YouTube ऑन कर लेना है, और YouTube को ऑन करने के बाद आपको आपके अकाउंट पर टिक कर लेना है। यहाँ आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग के ऑप्शन पर जैसे ही आप टिक करोगे तो वहाँ आपको जनरल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। जनरल के अंदर आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप डार्क थीम पे टिक करते हैं तो आपका YouTube डार्क हो जाता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके आंखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि Gboard को डार्क या और भी कोई कलर में कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें एडिशनल सेटिंग पर जाना है, जो हमें थोड़ा ही नीचे मिल जाती है। एडिशनल सेटिंग के अंदर जाने के बाद हमें लैंग्वेज एंड इनपुट पर टिक करना है। लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर आपको Gboard का ऑप्शन मिल जाता है, और Gboard के ऑप्शन को टिक करने के बाद आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है। थीम के ऑप्शन के अंदर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कलर रखना है। वैसे अभी मैंने डार्क कलर चूज़ कर रखा है, लेकिन आपके लिए मैं वाइट कलर भी चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई पर टिक करता हूँ तो वो अप्लाई हो जाता है। वैसे मैं डार्क मोड ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए शुक्रिया।